वेदों के क्रम में तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता तथा देवता सूर्य हैं। सामवेदीय मंत्र जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। और इस वेद का प्रमुख विषय है उपासना। इसमें सोम याग संबंधी मंत्रों का संकलन है। और सामवेद दो भागों में विभक्त है, पहला पूर्वार्चिक और दूसरा उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में अग्नि इंद्र से संबद्ध मंत्र हैं, जबकि उत्तरार्चिक में प्रत्येक मंत्र की लय तान को याद करने का वर्णन विद्यमान है। सामवेद की सहस्रों शाखाएं बतलाई गई हैं, लेकिन वर्तमान में केवल तीन शाखाएं ही उपलब्ध हैं, कौथुमीय, रामायणीय, जैमिनीय। चौथा वेद है अथर्ववेद और इसके ऋत्विक हैं ब्रह्मा। अथर्वण ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके देवता सोम तथा आचार्य सुमंतु हैं। पिपलाद, मोद, अस्तोद, सौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारणवेद ये नौ शाखाएं हैं, जिनमें से केवल सौनक एवं पिपलाद शाखा ही उपलब्ध हैं। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, छत्रवेद, भैषज वेद, छंदोवेद आदि। अथर्ववेद के उपवेद भी माने जाते हैं, उनमें सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहासवेद, पुराणवेद आदि हैं। अथर्ववेद के प्रथम कांड में विविध रोगों की निवृत्ति का वर्णन तथा बीसवें कांड में सोमयाग का वर्णन तथा इंद्र स्तुति से संबंधित मंत्र हैं। साथ ही साथ अथर्ववेद में भैषज सूक्त, दीर्घायु संबंधी सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, राजकर्म सूक्त का भी वर्णन प्राप्त होता है। धन्यवाद।